अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उप श्रम आयुक्त सेवायोजन कार्यालय परिसर में बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश मोहम्मद मुस्तफ़ा, गोरखपुर से उप श्रम आयुक्त अमित कुमार मिश्रा, कामकाजी बच्चे एवं उनके अभिभावक मौजूद रहे। नया सवेरा योजना अंतर्गत नगर निगम के 42 वार्डों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 22 गांव में सर्वेक्षण के बाद 1661 कामकाजी बाल श्रमिक चिन्हित किए गए, जिनका विद्यालय में नामांकन कराकर निर्माण श्रमिकों के रूप में पात्र अभिभावकों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पात्र निर्माण श्रमिकों को शासन की तरफ से 1000 की आर्थिक सहायता दी गई। वहीं श्रम विभाग के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर इन्हें शिक्षित करने का कार्य किया जाए, जिसका पूरा खर्चा प्रदेश सरकार वहन करेगी। आपके खाते में 1000 रुपये भेजा जा चुका है, ठीक है? फोन किया कि नहीं? फोन किया ना? सर आप खड़े हो, आपके खाते में 1000 रुपये सुना गया है। कॉलिंग में जा दीजिए भाई। लक्ष्मी देवी कौन है? आप आप लोग पीछे हुए और इधर इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उप श्रम आयुक्त ए.के. मिश्रा ने बताया, 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसमें मेन ये है कि हम समाज को जागरूक करें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं समाज में, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हों, चाहे वो श्रम से रिलेटेड हों, चाहे आम जनमानस हों, चाहे हमारे मीडिया के लोग हों, चाहे हमारे अधिकारीगण हों, उन सबको जागरूक किया जाए कि भाई बाल श्रम जो है ये एक सामाजिक अभिशाप है, और लोगों को मोटिवेट किया जाए कि बच्चों को मजदूरी पे ना रखें और बच्चों को और उनके परिवारों को इस तरह से सशक्त बनाया जाए कि वो बाल श्रम के जो एक कचड़ा है या उसमें दोबारा वो ना फंसे। सर, मंत्री जी ने बच्चों से बात की, क्या माननीय मंत्री जी ने बच्चों से बात की, उनका ये कहना था कि जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई किसी तरह से ब्रेक ना हो, वो पढ़ें। उनके परिवार के लोगों से भी बात की, और जो हमारी अन्य योजनाएं हैं विभाग की, उन योजनाओं से जो भी पात्रता की श्रेणी में आवर्त होते हैं उनको हित लाभ दिया जाए। साथ में एक चीज़ और भी, उन्होंने जो इंटर डिपार्टमेंटल जो बाकी अन्य विभाग है उन विभागों से एक आवश्यक सहयोग करके सामंजस्य बना के, जैसे हो सकता है कि इन बच्चों का परिवार किसी का राशन कार्ड ना बना हो सकता है बच्चे कि यहाँ कुछ और समस्या हो, शौचालय या मकान ना बना हो या कुछ और भी, तो अन्य सारे विभागों से सामंजस्य करके उनकी ये सारी चीज़ें बनवाई जाए जिससे वो गरीबी रेखा से ऊपर हो।